हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्वेबल ग्रुप और एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे पास सॉल्वेबल ग्रुप की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने निलपोटेंट ग्रुप के बारे में डिस्कस किया, हमने सेंट्रल सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया, हमने पी होल लेमा डिस्कस किया। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज हम सॉल्वेबल ग्रुप देखते हैं। सबसे पहले सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। ए ग्रुप जी इज सेट टू बी सोल्वेबल इफ़ देर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सीरीज। ये हमारे पास नॉर्मल सीरीज है, ओके। जी इज इक्वल टू जी नॉट इज कंटेंड इन जी वन इज कंटेंड इन जी टू एंड अप टू सो ऑन इज कंटेंड इन जी एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी सच डैट फर्स्ट हमारे पास क्या हो, जी आई प्लस वन इज नॉर्मल टू जी आई, और सेकेंड जी आई अपॉन में जी आई प्लस वन इज अबेलियन। तो हमारे पास कोई ग्रुप जी सोल्वेबल कब होगा, फर्स्ट तो उसके अंदर जी आई प्लस वन क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो जी आई का। यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो हमारे पास आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो टू एन माइनस वन, और जो जी आई अपॉन में जी आई प्लस वन है वो क्या हो, अबेलियन हो। तब हम ग्रुप जी को क्या बोलेंगे कि वो ग्रुप क्या है, सोल्वेबल ग्रुप है, ओके। तो ये हमने डेफिनेशन देखी सॉल्वेबल ग्रुप की। फर्स्ट क्या हो कि जी आई प्लस वन इज़ नॉर्मल टू जी आई, और सेकंड जी आई अपॉन में जी आई प्लस वन इज़ अबेलियन। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, एक थ्योरम है हमारे पास इम्पोर्टेंट थ्योरम कि एवरी निलपोटेंट ग्रुप इज़ सॉल्वेबल बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कि हमारे पास जो निलपोटेंट ग्रुप होता है वो तो हमारे पास सॉल्वेबल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सॉल्वेबल ग्रुप है वो निलपोटेंट हो। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि जो निलपोटेंट ग्रुप होता है वो सॉल्वेबल होता है हमारे पास। तो मतलब सॉल्वेबल प्रूव करने के लिए एक तो हमें दिखाना पड़ेगा कि जी आई प्लस वन इज़ नॉर्मल टू जी आई, और सेकंड जी आई अपॉन में जी आई प्लस वन इज़ अबेलियन। सो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले गिवन लेके चलते हैं, लेट जी बी ए निलपोटेंट ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, निलपोटेंट ग्रुप है, और हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी देखा था निलपोटेंट ग्रुप क्या होता है, जिसके पास क्या होती है, सेंट्रल सीरीज होती है, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा। तो सबसे पहले जी हमें गिवन है कि जी क्या है, निलपोटेंट है। निलपोटेंट है तो मतलब वो एक सेंट्रल सीरीज कंटेन करेगा, तो ये मैंने एक सेंट्रल सीरीज लिखी, जी इज इक्वल टू जी नॉट इज कंटेन्ड इन जी वन अप टू सो वन इज कंटेन्ड इन जी एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये जी एम पर टर्मिनेट हो रहा है, इसकी वैल्यू जी एम पर क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये क्या है, सेंट्रल सीरीज है फॉर ग्रुप जी के लिए। और सेंट्रल सीरीज़ के लिए हमने क्या देखा था, सेंट्रल सीरीज़ के लिए हमने देखा था कि वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई करता है, ठीक है। हमने क्योंकि लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके थे हम सेंट्रल सीरीज़ और निलपोटेंट ग्रुप के बारे में, तो इसका जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। सो वो दो कंडीशन होती है हमारे पास सेंट्रल सीरीज़ के लिए, कि नॉर्मल सीरीज़ को हम सेंट्रल सीरीज़ कब बोलते थे, फर्स्ट जी आई इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी फॉर ऑल आई की वैल्यू जीरो टू एम, अगर यहाँ पर आई है तो वैल्यू एम तक होती थी, अगर यहाँ पर आई प्लस वन है तो वैल्यू एम माइनस वन तक होती थी, ओके। सो नाउ तो और जी आई अपॉन में जी आई प्लस वन इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ जी अपॉन में जी आई प्लस वन, ओके। एक ही ये कंडीशन होती थी हमारे पास सेंट्रल सीरीज़ की। और एक कंडीशन और होती थी हमारे पास कि जी नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन, जी जी आई इज़ कंटेंड इन जी आई प्लस वन। ये हम कंडीशन थ्योरम्स के अंदर दिखाते थे, जब हम थ्योरम को हमें क्या प्रूव करना होता था, सेंट्रल सीरीज दिखानी होती थी हमें, तब हम ये प्रूव करते थे। नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन की थी हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, और इसको प्रूव भी किया था। सो अब हमारे पास गिवन है निलपोटेंट ग्रुप, और हमें प्रूव करना है उसको सोल्वेबल। तो उसको सोल्वेबल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, सॉल्वेबल प्रूव करने के लिए हमने अभी अभी दो कंडीशन देखी, इन दो कंडीशंस को दिखाना है। सो इन दो कंडीशंस को दिखाने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को दिखाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जी आई प्लस वन इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई। सो जी आई प्लस वन इज़ नॉर्मल टू जी आई के लिए सबसे पहले अब हमें पता है, अगर यहाँ पर आई होता है तो वैल्यू जीरो टू एम होती है, अगर यहाँ पर आई प्लस वन है, क्योंकि जी आई इज़ नॉर्मल टू जी है तो जी आई प्लस वन भी नॉर्मल टू जी होगा, लेकिन आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो टू एम माइनस वन, ओके। और सेकंड जी आई प्लस वन तो कंटेन होगा जी आई में, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ आई की वैल्यू आप जीरो पुट करते हो तो जी वन कंटेंड है किसके अंदर, जी नॉट के,
जी टू कंटेन है जी वन के, यहाँ सीरीज से आप देख सकते हो जी टू कंटेन है जी वन में, जी वन कंटेन है जी नॉट में। सो यहाँ से और इन दोनों को हम, इन दोनों की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं कि जी आई प्लस वन इज नॉर्मल टू जी आई और आई की वैल्यू जीरो टू एम माइनस वन। ये तो आप वैसे भी देख सकते हो क्योंकि हमारे पास जी ग्रुप निलपोटेंट गिवन है और निलपोटेंट ग्रुप के पास सेंट्रल सीरीज होती है, और सेंट्रल सीरीज है अगर निलपोटेंट ग्रुप के पास तो हमारे पास क्या होगा उस, मतलब सेंट्रल सीरीज है तो इसका मतलब समझो सेंट्रल सीरीज है। तो सेंट्रल सीरीज का क्या मतलब है, हम नॉर्मल सीरीज को ही तो सेंट्रल सीरीज बोलते हैं जब दो कंडीशंस को सेटिस्फाई, दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं ये दो, तो मतलब और ये जो कंडीशन होती है हमारे पास ये नॉर्मल सीरीज की भी कंडीशन होती है, तो ये तो वैसे भी ट्रू ही है हमारे पास। ओके ये फर्स्ट तो हमने दिखा दिया कि जी आई इज नॉर्मल टू जी आई। नाउ अब सेकंड हम क्या करेंगे कि जी आई अपॉन में जी आई प्लस वन, दिस फैक्टर ग्रुप क्या है अबेलियन है, तो इसको अबेलियन दिखाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है बाय दिस सेंट्रल सीरीज की जो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं सेकंड की हेल्प से, यहाँ से ये मैंने ऐसे ही लिख दिया ओके कि जी आई अपॉन में जी आई प्लस वन इज कंटेंड इन जेड ऑफ जी अपॉन में जी आई प्लस वन, आई की वैल्यू जीरो टू एम माइनस वन। सो हमें एक रिजल्ट पता है कि एवरी सेंट्रल सब ग्रुप इज़ अबेलियन, ठीक है ये रिजल्ट लगाया है हमने यहाँ पर, तो जो ये इसका सब ग्रुप है तो ये हमारे पास क्या होगा जी आई अपॉन में जी आई प्लस वन अबेलियन होगा ओके बाय दिस रिजल्ट। तो हमारे पास सेकंड जो कंडीशन होती है सॉल्वेबल ग्रुप की वो भी हमने दिखा दी कि जी आई अपॉन में जी आई प्लस वन क्या है अबेलियन है। सो वो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी इस थ्योरम में और सेकंड भी सेटिस्फाई होगी, तो ये निलपोटेंट ग्रुप जी क्या हो गया हमारे पास सॉल्वेबल हो गया ओके, निलपोटेंट ग्रुप जी क्या हो गया सॉल्वेबल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्या हो गया अब कि सीरीज़ वन, जो हमने सीरीज़ वन लिखी थी यहाँ से, ये सीरीज़ वन क्या है हमारे पास अब नॉर्मल सीरीज़ फॉर ग्रुप जी विद अबेलियन फैक्टर। नॉर्मल सीरीज़ क्यों बोला, क्योंकि जी आई अब प्लस वन ये नॉर्मल सीरीज़ की हमारे पास कंडीशन होती है ना, और सेकंड हमारे पास उसके पास अबेलियन, मतलब वो अबेलियन फैक्टर है जी आई अपॉन में जी आई प्लस वन क्या है अबेलियन है, तो वो जी निलपोटेंट ग्रुप क्या हो गया सोलवेबल हो गया। अब सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब कि सोलवेबल निलपोटेंट ग्रुप तो सोलवेबल होते हैं लेकिन जो सोलवेबल ग्रुप है वो ज़रूरी नहीं है कि निलपोटेंट हो, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से प्रूव करेंगे। सो एग्जांपल हम क्या लेंगे, वी विल प्रूव इट बाय एन एग्जांपल, एग्जांपल लेंगे हम एस थ्री ओके, क्या सिमेट्रिक ग्रुप की हेल्प से हम लिखेंगे और उसको पता है हमें, हमने ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में, ग्रुप एंड रिंग्स की बुक में परम्यूटेशन चैप्टर होता है, वहाँ पर इसको अगर हम लिखते हैं एस थ्री है तो इसमें थ्री फैक्टोरियल लिखते हैं, इसका ऑर्डर थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स, तो इसमें सिक्स परम्यूटेशन होती है हमारे पास, आइडेंटिटी वन टू, वन थ्री, टू थ्री, वन टू थ्री और वन थ्री टू, और ये हमने यहाँ पर एस क्या लिया है, एस हमने लिया है वन टू थ्री ओके। तो यहाँ से हम बनाते हैं साइकिल्स, एक तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होती है हमारे पास, एक वन टू होती है, एक वन थ्री, एक टू थ्री और फिर थ्री थ्री की, वन टू थ्री और वन थ्री टू यहाँ पर लिखा ओके। इज ए सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री थ्री एक्टिंग ऑन दिस सेट, ये मैंने आपको बता दिया सेट इस पर क्या होती है, इस सेट के ऊपर हम इस ग्रुप को लिखते हैं ओके, सिमेट्रिक ग्रुप हमने लिख लिया। अब हमें इस ग्रुप को क्या प्रूव करना है, सबसे पहले हम जो हमने ये ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप लिखा, सबसे पहले हम इसको क्या प्रूव करेंगे कि ये ग्रुप सोल्वेबल है ओके, और सोल्वेबल प्रूव करने के बाद फिर इसी ग्रुप को हम क्या प्रूव करेंगे कि ये निलपोटेंट नहीं है, क्या नहीं है, निलपोटेंट नहीं है, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो सोल्वेबल ग्रुप होता है बस वो क्या है, वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि निलपोटेंट हो, तो इसके लिए हम सबसे पहले S3 को क्या प्रूव करेंगे सोलवेबल, और फिर S3 को दिखा देंगे कि वो क्या नहीं है, निलपोटेंट नहीं है, तो जिससे हमारा ये थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, नॉर्मल सीरीज़ बनाएंगे और उसके बाद नॉर्मल सीरीज़ बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको सोलवेबल प्रूव करेंगे, मतलब जी आई प्लस वन इज़ नॉर्मल टू जी आई, जैसे हमने अब प्रूव किया था, और सेकंड कंडीशन अबेलियन फैक्टर्स। सो सबसे पहले मैं मानता हूँ जी नॉट को जी के इक्वल और जी वन को ए थ्री के अल्टरनेटिंग ग्रुप के इक्वल ओके, और हमें पता है अल्टरनेटिव ग्रुप को ऑर्डर कैसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल बाई टू, डेट इज़ थ्री फैक्टोरियल सिक्स बाई टू, तो हमारे पास थ्री ही आ जाएगा इसका भी ओके, तो इसमें थ्री ही लिखे हैं।
सो A3 के अंदर हमारे पास इवन परमिटेशन होती है, एक आइडेंटिटी जाएगी हमारे पास, एक 1 2 3 और एक 1 3 2 यहाँ से S3 से, ओके। और G2 हमने आइडेंटिटी मान लिया जहाँ पर वो सीरीज़ क्या होगी, टर्मिनेट होगी। अब जो अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 होता है वो नॉर्मल होता है S3 के, ओके। तो यहाँ से जो G1 होगा वो नॉर्मल किसके हो जाएगा, G0 के, क्योंकि ये किसके इक्वल है, G1 के। और S3 किसके इक्वल हम मान के चले थे, जी के, और जी फिर किसके इक्वल है, जी नोट के यहाँ से। सो हमने ये ऐसा लिख लिया। ऑल्सो हम जो आइडेंटिटी है वो किसके नॉर्मल होता है, इसके तो होगा वो A3 के, तो यहाँ से मैंने लिख लिया कि आइडेंटिटी इज़ नॉर्मल टू A3, तो यहाँ से G2 इज़ नॉर्मल इन G1, ये ऐसा लिखा मैंने यहाँ से, ओके। जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी वो तो हमने सेटिस्फाई कर ली कि जो हमारे पास GI+1 इज़ नॉर्मल टू GI, ओके। यहाँ पर आई की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, G1 इज़ नॉर्मल टू G0, फर्स्ट हमारे पास हो गई, क्योंकि हमारे पास लेंथ 2 थी ना इसकी सीरीज़ की, जो अब हम लिखेंगे उसकी लेंथ 2 लेंगे हम, ओके। और सेकंड अगर मैं 1 रखूँगा तो G2 इज़ नॉर्मल टू नॉर्मल इन G1, तो ये सीरीज़ लिखी गई यहाँ से, ओके। आई पर ये G2 पर टर्मिनेट है, इसकी वैल्यू आई है, आइडेंटिटी होती है ना। अब फर्स्ट तो हमारे पास हो गई ये जो उसकी सोल्वेबल ग्रुप की प्रॉपर्टी जो हमने सेटिस्फाई करानी थी। सेकंड क्या, अबेलियन फैक्टर, डेट इज़ GI/GI+1 इज़ अबेलियन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो G0/G1 अबेलियन, और सेकंड G1/G2 अबेलियन। तो मैंने ऑर्डर ऑफ G0/G1 निकालना चाहा तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ G0/G1, G0 का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इसको लिखूंगा मैं ऑर्डर ऑफ G0/ऑर्डर ऑफ G1। ये किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर है मेरे पास 6, ओके। और इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है, जी वन का ऑर्डर क्या है मेरे पास 3, तीन एलिमेंट है ना, सो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली मैं इसको लिखूंगा ऑर्डर ऑफ G1 क्या है, 3 है, ऑर्डर ऑफ G2 क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1, सो यहाँ से 3। ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और हमें क्या पता होता है एक रिजल्ट कि हमारे पास जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है, जिसका कि ऑर्डर प्राइम ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, साइक्लिक होता है, और साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। सो मैं आपको एक इसको मैं याद करने का आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, कि प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप है वो साइक्लिक होता है, और साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है, ओके। सो यहाँ से ये दोनों प्राइम ऑर्डर प्राइम नंबर आ गए मेरे पास, तो ये ग्रुप क्या होगा, ये ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है, तो ये क्या होगा, साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो हैंस क्या होगा, अबेलियन भी होगा, ओके। ये हमारे पास रिजल्ट होते हैं, सुनना हो। अब ये अबेलियन है तो मतलब ये फैक्टर ग्रुप G0/G1 और G1/G2 दोनों क्या हो गए, अबेलियन हो गए। सो सीरीज़ 1 क्या है, नॉर्मल सीरीज़ भी है विद अबेलियन फैक्टर, तो जी क्या हो गया हमारे पास, सोल्वेबल। हमने S3 को जो ग्रुप जी मानना था उसको क्या प्रूव कर दिया, सोल्वेबल प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये जी इज इक्वल टू S3 है ये नीलपोटेंट नहीं है, ये प्रूव करना है, ओके। तो निलपोटेंट नहीं है, तो इसको प्रूव करने के लिए अब क्या करेंगे हम, जी इज इक्वल टू S3 सिमिट्री ग्रुप है, ये हमने देख लिया। S इज इक्वल टू 1 2 3, इसका हमने ये भी देख लिया ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम, एन फैक्टोरियल डेट इज़ 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल, ये भी हमने देख लिया इसके अंदर 6 परमिटेशन कैसे लिखते हैं। सो अब यहाँ से देखो, जो हमारे पास जी इज इक्वल टू S3 होता है वो नॉन अबेलियन होता है, ओके। कैसे, हम नॉन अबेलियन का मतलब, अबेलियन का मतलब क्या है, अबेलियन का मतलब उसके एलिमेंट्स क्या करेंगे, कम्यूट्स करेंगे। तो यहाँ से अगर हमें अबेलियन नहीं दिखाना है तो क्या करेंगे, मतलब एलिमेंट्स को म्यूट नहीं करेंगे, तो इससे कोई दो एलिमेंट उठा लो, 1 2 और 1 3 S3 से हमने लिए, ठीक है। 1 2 और 1 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 साइकिल की फॉर्म में, और 1 3 2 को 1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं साइकिल की फॉर्म में। सो यहाँ से जो मेरे पास आ गया 1 3 2, तो जैसे मेरे को अगर अबेलियन प्रूव करना है तो एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं, मतलब ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए बी इज इक्वल टू बी होता है, ओके। सो अगर यहाँ पर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए बी इज इक्वल, ए बी मेरे पास ये आ गया और बी ए मेरे पास ये आ गया यहाँ से, ओके। तो क्या ए बी बी ए के इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो मतलब ग्रुप क्या हो गया मेरे पास, S3 नॉन अबेलियन है। नाउ मेरे को एक रिजल्ट पता है, रिजल्ट क्या है कि ग्रुप अगर अबेलियन है तो वो अपने सेंटर के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप क्या है, नॉन अबेलियन है, तो मतलब जी किसके इक्वल नहीं होगा, जेड जी के इक्वल नहीं होगा। ये तो रिजल्ट था मेरे पास। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे
वी हैव जी इज नॉट इक्वल टू जेड जी। अगर जी जेड जी के इक्वल नहीं है तो वो ऑर्डर के भी, ऑर्डर ऑफ जेड जी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, और ऑर्डर ऑफ जी क्या है, सिक्स है, क्योंकि एस थ्री ग्रुप है हमारे पास, सिमेट्री ग्रुप है और उसका ऑर्डर सिक्स है हमारे पास। सो आल्सो जेड जी सब ग्रुप ऑफ जी। तो बाय लैग्रांजिस थ्योरम से, लैग्रांजिस थ्योरम से क्या होता है हमारे पास, जेड जी सब ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये लैग्रांजिस थ्योरम कहती है हमारे पास कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो मतलब ऑर्डर ऑफ जेड जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ जेड जी को अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा और ऑर्डर ऑफ जी सिक्स है तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी ऑर्डर ऑफ जेड जी की, कि अगर सिक्स को डिवाइड करना है ऑर्डर ऑफ जेड जी को, या तो वो वन हो सकता है, वन डिवाइड करेगा सिक्स को, या टू सिक्स को डिवाइड कर सकता है, या थ्री कर सकता है, सिक्स इटसेल्फ कर सकता है। सो अगर ऑर्डर ऑफ जेड जी टू और थ्री हो तब क्या होगा हमारे पास, तब हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ जेड जी। ओके ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास क्या है, सिक्स है। ऑर्डर ऑफ जेड जी एक बार टू लेता हूँ मैं और एक बार थ्री लेता हूँ। ओके टू और थ्री है ना, सो एक बार आंसर आ गया थ्री सिक्स बाई टू और एक बार आ गया टू, दोनों बार क्या आ गया प्राइम नंबर आ गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइम नंबर अगर ऑर्डर आ जाए ग्रुप का प्राइम ऑर्डर तो वो साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है तो अबेलियन होता है। तो मतलब जी बाई जेड जी क्या हो गया मेरे पास, साइक्लिक हो गया। और एक रिजल्ट होता है मेरे पास, अगर जी बाई जेड जी मेरे पास साइक्लिक है तो जी अबेलियन होता है। ओके मतलब अगर जी बाई जेड जी सही ग्रेजुएशन में रिजल्ट होता है हमारे पास तो जी क्या होता है, अबेलियन होता है। सो लेकिन मैंने क्या, जी तो नॉन अबेलियन था, यहाँ पर देखो ये लिखा है जी इज़ नॉन अबेलियन, सो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास। सो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो मतलब ऑर्डर ऑफ जेड जी हमारे पास टू और थ्री तो हो नहीं सकता। ओके तो ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होगा, वन होगा। ओके और वन किसका ऑर्डर होता है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर वन होता है। तो जेड जी क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो सेंटर ऑफ जी क्या हो गया, ट्रीवियल हो गया। अगर ट्रीवियल का मतलब कि वो आइडेंटिटी के इक्वल है, सो अगर वो ट्रीवियल हो गया, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर एक रिजल्ट प्रूव किया था कि सेंटर ऑफ जी इज़ नॉन ट्रीवियल। ओके सो यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, मतलब सेंटर ऑफ जी नॉन ट्रीवियल होता है जब ग्रुप क्या होता है, वो रिजल्ट क्या था हमारे पास, ग्रुप इज़ अगर हमारे पास क्या हो हमारे पास कि हमारे पास सेंटर ऑफ जो निलपोटेंट ग्रुप होता है वो नॉन ट्रीवियल होता है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रुप तो ट्रीवियल आ गया, मतलब आइडेंटिटी इक्वल आ गया, लेकिन हमने रिजल्ट तो प्रूव किया था कि जेड जी इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, अगर ये होता तो निलपोटेंट है हमारे पास, तो हमारे पास अब ट्रीवियल आ गया, तो हमारे पास जो एस थ्री ग्रुप है वो क्या होगा, नॉट निलपोटेंट। ठीक है, तो इसी तरह से हमने प्रूव किया, एस थ्री का एग्जांपल लेके चले हम, और एस थ्री को हमने क्या, सबसे पहले तो सोल्वेबल दिखाया और फिर इसी एस थ्री को क्या दिखाया कि ये निलपोटेंट नहीं है। तो इससे हमारा कन्वर्स पार्ट भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।